हेलो स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई ने इस बार अपने सिलेबस में बहुत सारे बदलाव किए हैं। जैसा कि कोरोना की सिचुएशन आई है, तो कोरोना की सिचुएशन की वजह से उसने अपने सिलेबस भी बदल दिए। तो मैंने जो सीबीएसई के पूरे सर्कुलर्स हैं उनका एकदम शॉर्ट टर्म में मैंने दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताए हैं कि जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन दो बार होने वाले हैं वो दो बार कैसे होंगे। तो अब की बार दो बार बोर्ड एग्ज़ाम, चलिए समझते हैं। तो जैसा कि एग्जामिनेशन बोर्ड का हमारा होगा वो दो टर्म में डिवाइड हो गया है। पहला एग्जाम होगा हमारा टर्म वन, जिसको मैंने T1 से मेंशन किया हुआ है। दूसरा टर्म टू, जिसको मैंने T2 से मेंशन किया हुआ है। इससे आप सबको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आप इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेंगे मैं इसका, या फिर फोटो भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो मैंने लिया वो है परसेंटेज बेसिस पे। परसेंटेज बेसिस में 50% 50% मींस दोनों जो टर्म हैं ये दोनों ही टर्म आपस में 50-50 में डिवाइड हो गए हैं। लेकिन मैंने साथ में अप्रॉक्स वर्ड यूज़ किया है। आप लोगों ने कई जगह हो सकता हो देखा होगा तो वहाँ पे 50% कंप्लीट बताया जा रहा होगा, बट ये कंप्लीट नहीं है, ये अप्रॉक्स सिलेबस है। क्योंकि टर्म वन की सिचुएशन और टर्म टू की सिचुएशन ये डिपेंड करेगा कोरोना के ऊपर। तो जो आपको सभी को लास्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा अभी ट्राइपॉड नीचे करूँगा तो शो होगा, ये कोरोना मेरा फेवरेट डिफरेंस है इसमें। ये आपको बताएगा कि पूरा दोनों के बीच में कंप्लीट सिनेरियो जो है, पूरा जो डिफरेंस है वो क्या है। तो 50% 50% तो क्लियर हो गया होगा, आधा आधा, लेकिन अप्रॉक्स किस बेसिस पर वो नीचे आपको यहाँ पर समझ में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि डेट कब होगा, यानी कब एग्जामिनेशन होंगे। तो जो टर्म वन का एग्जामिनेशन का डेट रखा गया है वो नवंबर और दिसंबर 2021 के लास्ट में वही हमारा होगा, और मार्च अप्रैल में हमारा टर्म टू के एग्जामिनेशन का शेड्यूल रखा गया है। इसी तरीके से टाइम, कितनी देर का पेपर होगा। तो टर्म वन पर है हमारा वो 90 मिनट्स का रखा गया है, मीन्स 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसी तरीके से टर्म टू का जो पेपर होगा वो 120 मिनट्स का होगा, जो कि हमारा 2 घंटे का पेपर होगा। अब यहाँ पर सबसे माइंड में आ रहा होगा कि पेपर होगा कैसा। तो टर्म वन के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पैटर्न के लिए बताया है, जिसमें ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे ओनली। मतलब कि आपको जो इस बार एग्जामिनेशन में आएंगे पेपर वो सारे MCQ बेस्ड होंगे टर्म वन के लिए। मीन्स आपको एक OMR शीट मिल जाएगा और जैसे बबल्स आपको रंगने पड़ते हैं वही कलर करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। आपको आंसर्स बस पता होने चाहिए, ए है फर्स्ट ऑप्शन, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है करेक्ट है उसको कलर कर देना है। बट जो टर्म टू का पेपर होगा वो सेम एज इट इज सब्जेक्टिव पेपर होगा। मतलब जैसे नॉर्मली पेपर मैंने लिखा वैसे ऐसे है, लेकिन एग्जाम्पल में मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे नॉर्मल एग्जाम देते थे वैसे नॉर्मल एग्जाम। मतलब पेपर पे पूरा पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, बाकी अदर चीज़ें। इसके साथ मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया है और। अब ये और वर्ड मैंने यूज़ क्यों किया है, क्योंकि एक बात आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये डिपेंड करेगा कोरोना की सिचुएशन के ऊपर कि ये सब्जेक्टिव पेपर होगा या फिर नहीं होगा। मतलब अगर सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है, यानी कि कोरोना की सिचुएशन ठीक नहीं होती है, बीमारी ज़्यादा फैल जाती है और भी ज़्यादा दिक्कतें कुछ भी हो जाती हैं, तो ऐसे केस में देखिए मैंने एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में बताया है T2 = T1। मतलब कि आप ये जितना चीज़ देखें ये सब छोड़ दीजिए, क्या करना है समझना ये है कि जो टर्म वन में पेपर का पैटर्न था मीन्स 90 मिनट MCQ बेस्ड, यही सेम एज इट इज फॉलो कर लिया जाएगा टर्म टू के एग्जामिनेशन के लिए भी। यही बस कहने का सेंस है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये 50-50 डिवाइड हो चुका है। मींस एक बार जो 50% टर्म वन में पूछा गया, मतलब जो पेपर क्वेश्चन टर्म वन में आ गया वो आपको टर्म टू में नहीं पूछा जाएगा। जो चैप्टर इसमें आ गया वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो इससे आपको यहाँ पर आज़ादी मिल जाएगी। नेक्स्ट है एग्जाम मोड का। एग्जाम मोड जो है वो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड होगा, सिर्फ और सिर्फ टर्म वन के लिए। लेकिन इसके ऊपर भी कंडीशंस अप्लाई वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये जो सिचुएशन है पॉइंट नंबर 7 तक जो मैंने बताया है, ये जो पॉइंट नंबर 7 तक गया है ये नॉर्मल सिचुएशन है। अभी तक जैसी सिचुएशन चल रही अगर यही चलता रहा तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ये एक्सेप्शन की कंडीशन है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकता है। ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब आपको पता ही है, या तो स्कूल जाके, और अगर कोरोना की सिचुएशन ठीक नहीं रही तो फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएंगे, मतलब कि आप घर पे एग्जामिनेशन देंगे। लेकिन जो टर्म टू के एग्जामिनेशन होंगे ये आपके ऑफलाइन मोड में ही होंगे, ये बात सभी को ध्यान से समझनी है। ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन जैसे होता था वैसे ही होगा, लेकिन इसके ऊपर भी कंडीशंस अप्लाई है। ये दोनों ही केसेस के ऊपर कंडीशन आपकी अप्लाई है कि ये कब फॉलो होगा, ये सभी कंडीशन को तोड़ देगा कोरोना, ठीक है।
एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो टर्म वन आप अपने स्कूल में बैठकर एग्जामिनेशन देंगे, जैसे नॉर्मल आप लोग यूनिट टेस्ट की एग्जामिनेशन देते थे वैसे ही आप लोग ये भी एग्जामिनेशन देंगे। इन दोनों में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। स्कूल में बुलाकर एग्जामिनेशन कराया जा सकता है तो ठीक है, एंड अदरवाइज मैंने यहाँ पर एक HE का कॉलम लिखा हुआ है। HE मीन्स होम एग्जाम। होम एग्जाम मतलब कि आप घर से एग्जाम देंगे ऑनलाइन, ठीक है। अब इसमें खुश होने की बात नहीं होगी कि घर से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर अगला स्टेप जो होगा वो है टर्म टू के एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर तो विद इन स्कूल कैंपस आपका एग्जाम होगा, लेकिन जैसा कि बताया गया टर्म टू का एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड। मतलब जैसा कि नॉर्मली पहले बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाते थे, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगा नॉर्मल सिचुएशन में। हु विल सेट द पेपर? अब बहुत बार दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, टर्म वन का अपने ही स्कूलों में एग्जाम हो रहा है तो क्या करना है, अपने टीचर तो पेपर बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत बच्चों के दिमाग में आया होगा टर्म वन जब अपने स्कूल में होगा तो नहीं अपने टीचर बनाएंगे पेपर, जब अपने टीचर बनाएंगे तो सर जी से पूछ लेंगे, सर जी कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पेपर बनेगा वो CBSE ही बना कर भेजेगा, जैसा बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है। तो CBSE ही सेट करेगा, और इसमें सोने पे सुहागा ये हो गया कि एग्जामिनेशन एग्जामिनर जो होगा तो अपने ही स्कूल के टीचर नहीं राउंड लगाएंगे। अच्छा चलिए टीचर जी ठीक है CBSE पेपर भेजेगा तो अपने ही टीचर हमें बता ही देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी नहीं होगा। एग्जामिनर आएंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर, मतलब अपने ही आपके ही शहर से जो भी अदर स्कूल्स हैं, तो CBSE जो है वो अलॉट करेगा कि किस टीचर को किस स्कूल में जाके एग्जामिनर बन के पूरा चेक करना है सारी चीज़ें, तो वो एग्जामिनर बन के आएगा। आज जब दूसरे स्कूल का कोई टीचर दूसरे स्कूल में जाता है भाई, तब तो सबको पता है कि वो वहाँ पे एकदम होता है ना शेर की तरह काम करेगा, आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो वहीं पे वो, अब समझ ही जाइएगा। उसके बाद से जब टर्म टू की बात करेंगे तो यहाँ मैंने सिर्फ CBSE लिखा, मतलब ये एज यूजुअल जब ऑफलाइन मोड होगा, और जब मैंने पहले ही बोल दिया एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाएंगे तो भाई आप दूसरे स्कूल में जाएंगे जैसे पेपर देते हैं वैसे ही पेपर देंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक। तो ये पूरा ओवरऑल हमारा कंप्लीट डिस्कशन था, ये नॉर्मल सिचुएशन के लिए है जो अभी चल रहा है। ऐसे अगर चलता रहा तो ये सारी चीज़ें ऐसे फॉलो हो जाएंगी। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, पॉइंट नंबर 8, जो कोरोना की सिचुएशन है, किस एग्जाम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इन दोनों के ही एग्जामिनेशन पैटर्न को मिलाकर बोर्ड जो है आपका परसेंटेज तय करेगा। इसमें इंटरनल असेसमेंट कैसे होंगे, यूनिट एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट वर्क, वो सबको डिस्कशन किया जाएगा अब ये पॉइंट में, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर हम लोग आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोरोना का पॉइंट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि इसके बारे में सभी को अच्छे से पता चल सके और ये कंप्लीट जो CBSE ने सेट किया है ये आपको समझ सके एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए। तो कोरोना की सिचुएशन में जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोरोना नहीं बढ़ता है तो किसको वेटेज दिया जाएगा, मतलब किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलेगा, कोरोना अगर बढ़ गया तो क्या होगा, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे। हो सकता है टर्म वन एग्जाम ना ही हो, टर्म टू एग्जाम होगा तो क्या होगा, टर्म टू नहीं होगा वन पे होगा तो क्या होगा, बहुत सारे सिचुएशन। तो देखिए मैंने इसमें टोटल 4 पॉइंट्स ही हैं आपके लिए समझने के लिए। पहला सिचुएशन है टर्म वन एंड टर्म टू दोनों ही ऑफलाइन होता है, मतलब कि कोरोना जैसे चल रहा है इससे और कम होगा, नॉर्मल सिचुएशन बन जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन पे जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन होंगे टर्म वन के टर्म टू के दोनों के मार्क्स के बेसिस पे, फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट के बेसिस पे आपका मार्क्स डिसाइड किया जाएगा, ये पहला पॉइंट है, ठीक। दूसरा पॉइंट आते हैं, दूसरे पॉइंट में है कि टर्म वन अगर होम एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बच्चों को स्कूल में बुलाया ही नहीं जा सकता है, तो क्या किया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में टर्म वन को अगर होम एग्जामिनेशन हो गया और हो सकता हो फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर के बाद कोरोना फिर डाउन हो गया फिर कम हो गया, तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन टर्म टू के लिए हो गया। मतलब टर्म वन जो है वो होम एग्जाम हो गया और टर्म टू अगर ऑफलाइन एग्जाम हो गया तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, जो वेटेज मिलेगा, याद रखना है वेटेज हमेशा ऑफलाइन को ही मिलेगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है भाई, हमको बताने की भी जरूरत नहीं कि भाई ऑफलाइन को ही ज्यादा मिलेगा, होम में तो जा ही रहा है बोर्ड की आप व्यवस्था की यही होंगे कहीं ना कहीं। तो अब इसके बाद से
ये पॉइंट आ गया, तो मतलब टर्म टू के बेसिस पे वेटेज आपको ज्यादा मिल जाएगा फिर, और टर्म वन का वेटेज फिर कम हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पे हम जब आएंगे, तीसरा पॉइंट कहता है कि टर्म वन ऑफलाइन हो गया लेकिन टर्म टू होम एग्जाम हो गया, मतलब कि जस्ट अपोजिट हो सकता हो भाई कि कोरोना जो है नवंबर दिसंबर तक जो है अभी कम है, तो ऑफलाइन एग्जाम हो गया स्कूल में जाके, और मान लीजिए कि मार्च अप्रैल में आते वक्त में कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया जैसे इस बार हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, वो एग्जाम होम एग्जाम में बन जाएगा, फिर बुलाएंगे तो है नहीं बच्चों को। तो यानी कि अगर टर्म वन ऑफलाइन हुआ और टर्म टू अगर होम एग्जाम पे हुआ तो फिर टर्म वन वाले को ज्यादा वेटेज मिल जाएगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पे, तो टर्म वन को फिर ज्यादा वेटेज मिल गया यहाँ पे अब, और टर्म टू को कम वेटेज मिल जाएगा। और लास्ट सिचुएशन ये बनेगी कि अगर कोरोना भैया पूरी तरीके से फैल गए पूरे सिचुएशन में, ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, ऐसे सिचुएशन पे टर्म वन होम एग्जामिनेशन कराया और टर्म टू भी मजबूरन होम एग्जाम कराया, तो ऐसी सिचुएशन पे पूरी तरीके से आपका इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा, जैसा कि देखिए मैंने ब्रैकेट में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब इस इंटरनल असेसमेंट का मीन क्या होगा, मतलब कि आपका जो यूनिट एग्जामिनेशन होंगे, जो प्रोजेक्ट वर्क होंगे, जो आपका पूरा एक्टिविटी होगा स्कूल में नॉर्मल, उसके बेसिस पे पूरा डिसाइड किया जाएगा कि आपका मार्क्स क्या होगा, फिर इसके ऑनलाइन जो मार्क्स होंगे इसके बेसिस पे ये पूरा कंप्लीट आपका मार्क पैटर्न डिसाइड किया जाएगा फिर। तो ये हमारा ओवरऑल आपका CBSE का जो पूरा डिसाइड किया गया था सिलेबस, वो सिलेबस है, और आपको अच्छे से इस पर तैयारी करनी है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, किसी को भी अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, और अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन ज्वाइन करना है क्लास तो आप मेरा डेमो लेकर देख भी सकते हैं, यूट्यूब पर भी है, ऑनलाइन क्लास में भी डेमो ले सकते हैं। और सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है माइंड में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके जो है हर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।